जय हिंद। अशोक बेस्ट हेल्थ केयर में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ में है सुमित यादव जी, रीवा मध्य प्रदेश से। दूरबीन द्वारा दोनों कानों के ऑपरेशन के लगभग 50 और 90 दिन बाद में, राइट ईयर का ऑपरेशन लगभग 50 दिन पूर्व और लेफ्ट ईयर का लगभग 90 दिन पूर्व हुआ था। और अब हम कान की स्थिति का अवलोकन करना चाहेंगे। फर्स्ट हम राइट ईयर को देखेंगे। सबसे पहले हम कान की बाहरी स्थिति का अवलोकन करेंगे। हम देख सकते हैं कान का पिछला हिस्सा, ये नीट एंड क्लीन है। यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टाका निशान नहीं है, क्योंकि ये पूर्ण आंतरिक विधि द्वारा हुआ था। ग्राफ्ट वाज आल्सो हार्वेस्टेड फ्रॉम इनर साइड ओनली। और अब हम पर्दे की स्थिति का अवलोकन करना चाहेंगे। और यहाँ हम देख पा रहे हैं नवतरुण पर्दा, ये पूरा नया पर्दा हमें दिखाई दे रहा है। न्यू टिम्पेनम और पास में चलाओ करेंगे तो यस, ये पूरा नया पर्दा है। फैंटास्टिक। अब दूसरे कान की स्थिति का अवलोकन भी करना चाहेंगे। सबसे पहले कान को बाहर रूप से देखना चाहेंगे। हम देख रहे हैं कान का पिछला हिस्सा, यह बिल्कुल स्वस्थ है। यहाँ किसी प्रकार का चीरा कट टांगा निशान नहीं है। और अब हम कान की आंतरिक स्थिति को देखना चाहेंगे। फैंटास्टिक, बहुत बढ़िया, ग्राफ्ट अपटेक कंप्लीट। तो अब हम जानना चाहेंगे सुमित जी से। सुमित जी, ऑपरेशन के बाद का ये समय कैसा रहा? अच्छा था, इसमें कोई तकलीफ नहीं थी। दूरबीन द्वारा सर्जरी, तो इसमें कोई ज्यादा तकलीफ नहीं थी, मतलब बहुत ही अच्छा था। अच्छा रहा? हाँ, दोनों अच्छा था, दोनों अच्छे थे। ठीक है, कान ऑपरेशन के बाद कोई तकलीफ नहीं रही? नहीं जी। वेरी गुड। साथ में आपके दोस्त हैं, साथी हैं, इनसे भी हम वार्तालाप करना चाहेंगे। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम संदीप यादव है, मैं इनका दोस्त हूँ जी। हम लोग साथ ही रहते हैं जी। तो इन्होंने बोला कि मतलब घूमने चलते हैं जी। तो मैं भी देखा तो अच्छा लगा जी। तो बिना मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे अगर कोई आना चाहता है जी, तो काफी लोग डरते रहते हैं कि यार कानून में कैसा क्या होगा, तो सबसे बेटर है। मैंने देखा भी तो सबसे बेटर है। ये सब कुछ हो पाया आपके और आपके दोस्त के सहयोग से। आप यहाँ पहुँचे और आपने स्वास्थ्य लाभ लिया। और अब हम ईश्वर से कामना करेंगे आप अपने स्वर्णिम कैरियर की दिशा में आगे बढ़ें और अपने लक्ष्य को, निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त करें। ऑल द बेस्ट, गुड लक, जय हिंद।